आज हमारे चैनल पर बिरहा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार यादव जी आए हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय और स्वागत के लिए धन्यवाद। सर, मैं किसी वीडियो में देखा था आपको धर्म के ऊपर बात करते हुए, तो आज मैं इसलिए आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। सर, हर धर्म में अंधविश्वास है, तो आप केवल हिंदू धर्म को क्यों टारगेट करते हैं? हिंदू धर्म में ढेर है। हिंदू धर्म में जो बात है, चूंकि मैं टारगेट इसलिए करता हूँ, मैं भी हिंदू ही धर्म में रहा। मेरे बाप दादा आजा परपाजा घर ताजा जितने मेरे थे, 1922 से सभी लोग हिंदू धर्म को ढोए। और हिंदू धर्म क्यों थोपा गया हमारे ऊपर, इसके पूर्व हमारा 1922 के पहले हमारा कौन सा धर्म था, ये अब तक कोई जान नहीं पाया जी। हमें हिंदू क्यों बनाया गया, सवाल जो किए हैं बाबू, सवाल लंबा सवाल है। सर बोलिए बोलिए, आपको पूरा टाइम दिया जाएगा। मैं हिंदू धर्म को इसलिए सबसे हीन धर्म बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू शब्द भारत के किसी ग्रंथों में नहीं है। सबसे पूरे विश्व में माने जाने वाले एक संत हैं, स्वामी विवेकानंद जी। जी जी, उन्होंने कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। दयानंद सरस्वती जी ने कहा हिंदू धर्म नहीं है, उन्होंने सनातन धर्म बनाया। तो मैं केवल जो सवाल करता हूं लोगों से, ये पूछता हूं कि धर्म की परिभाषा क्या होती है जी? धर्म जनमानस को क्या सिखाता है, धर्म से आम जनमानस को क्या लाभ है। धर्म का मतलब जो मेरे हिसाब से है, धर्म जोड़ता है, धर्म तोड़ता नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म पूरी दुनिया में एक ऐसा धर्म है, ये केवल तोड़ता है लेकिन कहता है कि हम जोड़ रहे हैं। तो सर, आप तो गीता को भी नहीं मानते होंगे? कुछ नहीं मानते हैं यार, गीता फीता क्या चीज होती है, क्यों गीता को माने, क्या लिखा है गीता? सर, आप अभी कह रहे थे कि सनातन धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछा। मैं गीता को भी नहीं मानते होंगे? धर्म को नहीं मानता हूं। मेरे लिए सिर्फ एक धर्म है, जिस धर्म का नाम है मानवता का धर्म, सभ्यता का धर्म, भाईचारा का धर्म। जिस धर्म में भाईचारा नहीं है, हिंदू धर्म में क्या है? आप भी हिंदू, हम भी हिंदू। आप मंदिर में मलाई घोंट रहे हो और हम मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, मलाई खाने का अधिकार हमें नहीं है, तो हिंदू कैसा? हिंदू का मतलब क्या है? हिंदू का मतलब समानता, सभी लोग एक समान। जब सभी लोग एक समान है, तो एक थे हिंदू 85% हिंदू जी जी, 40% अधिकार पर, आ एक हिंदू 15% उस 60% के अधिकार पर, क्या है ये? अगर हम सभी लोग हिंदू हैं, सारे जातियों के लोग हिंदू हैं, तो सारे जातियों के हिसाब से 85% SC ST OBC है और 15% में तीन लोग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। लेकिन जब सूची निकाल के देखेंगे, 80% शासक में ब्राह्मण, 60% MP MLA ब्राह्मण, 70% ISPCS ब्राह्मण। ये कौन सी बराबरी की बात है सर? जो पढ़ा लिख धर्म में बराबरी की बात नहीं है, हम उस धर्म पर थूकते भी नहीं है। धर्म की बात छोड़ दीजिए, धर्म व्यक्ति को गुलाम बनाए रखने का एक हथियार है। धर्म एक ऐसी अफीम है जिसे धर्म की अफीम चटा दी गई, वो जीवन भर आपका तलवा चाटेगा, आपके सामने सर उठाकर बात नहीं करेगा। सर, आपकी बातों से बात ये निकल कर आती है,
रह गई आरक्षण वाली बात, कुछ इस पर भी चर्चा कर लिया जाए। आरक्षण तो जब ये हमारा देश अलग हुआ तो कमजोर व्यक्तियों को दिया गया था आरक्षण, लेकिन आरक्षण जो पिछड़ा समाज है अपनी हैसियत समझने लगा, आरक्षण को अपनी हैसियत समझ ले, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, मैं आपसे सवाल ये इसलिए पूछा हूं क्योंकि आप ब्राह्मण और सही पूछे सर, हमारी बात सुन लीजिए, आप ब्राह्मण और ठाकुरों पर या ऊपर की जातियों पर सवाल खड़ा किया है। हमारा कहना है जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, तो आप आरक्षण पर क्या कहना चाहते हैं? आरक्षण पर यही कहना चाहते हैं कि आरक्षण जब इस देश में, आरक्षण भीख नहीं है, अधिकार है, और इसे आरक्षण को संवैधानिक रूप बोधिसत्व ने, बाबा साहब ने इसलिए दिया कि हमारे लोगों को हजारों साल से दबाया गया था, हमारे लोगों को अनपढ़ गंवार रखा गया था। नहीं सर, मैं ये नहीं कहना चाहता। मैं पहले पूरी बात को समझ लीजिए कि अब हमारा समाज जब बढ़ेगा तो अगर भारत देश जातियों में बटा हुआ है तो जातियों के अनुसार हमारे लोगों को अधिकार मिलना चाहिए, आरक्षण इसलिए बना। लेकिन इस देश में जो कैटेगरी बना दी गई, इस देश में जो कैटेगरी बना दी गई SC ST OBC, जी जी, उसमें एक हमारे भाई है माइनॉरिटी समाज से, जी मैं सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन 85% को 100 IS में 85 IS, क्या SC ST OBC ये माइनॉरिटी के हैं? सर हो सकते हैं, अगर पढ़ेंगे क्यों नहीं होंगे? तो क्यों नहीं पढ़े, क्यों नहीं पढ़े सर? यही तो आप क्यों नहीं सर, यही तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे। हम वही चीज कर रहे हैं कि पढ़ने से रोका इनको कौन था, इनको पढ़ने से वंचित कौन रखा था? इस देश का ब्राह्मण, इस देश के ब्राह्मणों ने कहा कि अगर पिछड़े समाज के लोग पढ़ेंगे तो इस देश में महामारी आ जाएगी। आप शायद इतिहास का अध्ययन नहीं किए होंगे, ज्योतिबाराव फूले कि शादी जब सावित्री बाई फूले से हुई, जी जी, तो सावित्री बाई फूले को वो पढ़ाए घर पर ससुराल में आने के बाद, और जब वो पढ़ाए तो पढ़ा करके उन्होंने कहा कि तुम जाओ घर से निकलो और पिछड़े समाज की बहन बेटियों को घर में बैठ करके शिक्षित करो और मैं पिछड़े समाज के बेटों को शिक्षित करूंगा, शिक्षा के बिना सब कुछ अंधकार है, शिक्षित नहीं होंगे तो ब्राह्मणों की चाल को नहीं समझ पाएंगे। जब उन्होंने इस मोमेंट को उठाया तो महाराष्ट्र के जो पेशवाई ब्राह्मण थे वो ज्योतिबाराव के पिता का नाम था गोविंदराव फूले, उनसे कहे कि तेरा बेटा बड़ा अनर्थ कर रहा है जी। वो कहे क्या? कहा ये तो पिछड़े समाज के लोगों को शिक्षित कर रहा है, और पिछड़े समाज के लोग शिक्षित हो जाएंगे तो देश में महामारी आ जाएगी और यहां तुम लोग जिंदा ही नहीं रहोगे, तुम्हारे बागीचे के सारे फूल अशुद्ध हो जाएंगे, किसी मंदिर में नहीं चढ़ेंगे, कोई देवता तुम्हारे फूल को स्वीकार नहीं करेगा। तो ज्योतिबाराव फूले के पिताजी राम गोविंद जी कहे तब का करी गुरु जी, कहना अपने बेटा को समझाओ और नहीं मानता है तो घर से भगा दो, नहीं तो पूरा पूरा देश में तुम लोग बदनाम हो जाओगे और तुम्हारे ऊपर थू थू होगी। सर मेरा सवाल, समाज और हमारे नेता ये बात कहने में डरते हैं सर, क्योंकि जो सुनिए, जो गुलाम वंश के लोग हैं, जो मानसिक रूप से गुलाम हैं, वो सही बात कतई नहीं कह सकते, बात सब कहेंगे लेकिन बात को घुमाते रहेंगे। सर आप मेरे सवालों का गोलमोल जवाब दे रहे हैं, सही जवाब नहीं दे रहे। मैं ये पूछ रहा हूँ, बाबा साहब ने कुछ दिनों के लिए ही आरक्षण रखा था पिछले जातियों के लिए, कुछ दिनों के लिए नहीं रखा था, लेकिन ये जाति अपनी जागीर समझ कर बैठ गई, लोगों का ये मानना है पूरी समानता नहीं आ जाएगी। बात को समझिए, बाबा साहब कुछ दिनों के लिए नहीं रखे थे, इसीलिए ये सब आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। वो ये कहे थे कि आरक्षण तब तक लागू रहेगा कि जब तक पूरे भारत के 85 मूल निवासी से लेकर के जितने लोग हैं SC ST OBC या सवर्ण, जब तक लोग सभी लोग समानता में नहीं आ जाएंगे तब तक ये आरक्षण खत्म नहीं होगा। कुछ समय के लिए रखे थे तो शिक्षा से वंचित हमें क्यों किया गया था? आज भी अभी पिछड़े, अभी जो पिछला परीक्षा हुई है
यही कि हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, पहले रोल नंबर चलता था, कहे कि अब हर बच्चा अपनी कॉपी पर नाम लिखेगा और नाम के साथ साथ वो अपनी जात भी लिखेगा। इसका क्या मतलब था? अब इसके आगे बोल दूंगा तो पूरे देश में आग लग जाएगी। नहीं सर, बोलिए। क्योंकि जात, क्योंकि आप को जब जानेंगे तो उनके हिसाब से उनकी मेरिट बनेगी। ये देश में अहिर चमार कहार कोहार माझी मल्ला डोम धरकार मौर्या राजभर पटेल जैसे जानो, उनकी मेरिट को घसका के नीचे लाओ। नहीं सर, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। आप मत सहमत रहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि रोल नंबर पर परीक्षा होती है, नाम से और जात से क्या मतलब है? क्या जात समझ करके हम खाते हैं, जात समझ करके हम जीते हैं? इसका मतलब क्या है? क्योंकि मेरिट पर जब आधारित सिस्टम बन गया कि मेरिट जिसकी हाई रहेगी वो नौकरी में जाएगा, तो क्योंकि मेरिट कहा करवा भैया, इन चमारण का हारण को हारण का मेरिट है ना, टोटल मेरिट बड़के लोगन के लैकन कह, तो नौकरी में वो है ना जी है। सर, आरक्षण को खत्म करने का मेरिट एक माध्यम बनाया गया। मेरिट आसमान से नहीं आती है, मेरिट भविष्य नहीं बनती है, मेरिट शिक्षा से बनती है। आज भी मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर पूर्ण रूप से खोल दिया जाए सिस्टम, खत्म कर दिया जाए मेरिट का, तो इस देश में पिछड़े समाज के बच्चे, SC ST के बच्चे इतनी टैलेंट है,